यास्मीन। बिग बॉस 12 के फिनाले में अब सिर्फ 3 दिन ही बाकी हैं। ऐसे में फिनाले वीक को खास बनाने के लिए मेकर्स ने इस सीजन के आखिरी टास्क के तहत कई सेलेब्स को घर के अंदर लाने का फैसला लिया है। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि गौहर घर में आकर सुशांत को निशाना बनाते हुए उनसे दीपिका को गिफ्ट में मिले जैकेट और निकाह वाले दुपट्टे को स्टोर रूम में रखने को कहती हैं, जिसे सुनते ही सुशांत भड़क जाते हैं और मना कर देते हैं। वहीं अब लीजिए, घर से निकलते ही गौहर ने दीपिका को लेकर सोशल मीडिया पर काफी कुछ बोल दिया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने लिखा कि दीपिका, मैं काफी दुखी हूँ कि आप अपने फैसले खुद नहीं लेती हैं। मैंने श्रीशांत को बार बार कहा कि इस टास्क के बाद आपकी इमेज अलग तरह से उभर कर आएगी, लेकिन श्रीशांत को लगा कि ये सिर्फ एक सैक्रिफाइस के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये फिनाले की रेस है, उसे अपने चीजें 3 दिन में मिल जाती। लॉजिक लगाओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर आपको पूरा माजरा शॉर्ट में बताया तो हुआ यूं था कि श्रीशांत के मना करने के बाद भी गौहर ने एक बार फिर से श्रीशांत से गुजारिश की थी कि वो एक बार दीपिका को एक मौका तो दें कि आखिर वो इस सिचुएशन में अपने भाई को बचाएंगी या अपनी चीजों को खुशी खुशी स्टोर रूम में रख देंगी। लेकिन जनाब, अब श्रीशांत को कौन समझाए। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि दीपिका के पास ये एक बहुत अच्छा मौका था खुद पर लगे फेक पर्सनैलिटी के टैग को हटाने का, लेकिन वो भी उनके हाथ से निकल गया। वैसे गौहर ने जो बात दीपिका को लेकर कही है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।